मध्य प्रदेश में आज से 5 जिले अनलॉक हो रहे हैं। अनलॉक होने के बाद इन जिलों से जो परिणाम आएंगे उसी के आधार पर आगे दूसरे जिलों को भी 1 जून से अनलॉक किया जाएगा। 5 जिलों में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बरकरार रहेगी। 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से कम रहेगी उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे धीरे छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे में इन जिलों में अब राहत दी गई है। 9000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में चलाया जा रहा किल कोरोना अभियान और वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। हड़ताल पर जाने वाले करीब 19000 से ज्यादा कर्मचारी जिनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई कर्मचारी मुख्य पदों पर कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार 600 से कम केस आ रहे हैं। रविवार को भोपाल में 572 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस दिन पर दिन पैर पसारता दिख रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस का संक्रमण अब तक प्रदेश में 29 जिलों में फैल चुका है। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में एक ही दिन में 5 लोगों ने दम तोड़ा है।